हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि निपेश को और इन लोग को जाना है जोधपुर और इनको 9 बजे से पहले पहुँचना है। तो इनके लिए थोड़ा बहुत खाना वगैरह जो भी है वो तैयार करना है क्योंकि अभी ऐसे टाइम में वो लोग कहाँ रुकेंगे। इसलिए तो खाना वगैरह बना के और इन लोगों को रवाना करके मैं आपसे मिलती हूँ। निपेश और ये लोग निकल गए हैं, यानी ये निकल गए थे 4 बजे और इसके बाद हम हो गए थे फ्री इनको भेज के। फिर क्या कर रहे हूँ, तो वापस सो गए। तो अभी बज रही लगभग 8 बजने आ गई है, हम लोग सो गए थे, अभी उठे। अब उठ के हमारी चाय वगैरह हम पियेंगे। थोड़ी सी बेटा, नहीं गुस्सा कर, चलो बनी, चलो बनी बनी ले बेटा। ओ मेरा बनी गंदा हो गया, बस चलो कट्टी बनी ये ले। थोड़ी सी बेटा, ये जो गुच्छा नहीं कहते दे दो। अभी देख रहा था वो जोरदार था। ये भी ले ले, ये भी जाके ये हुई ना बात, गुड बॉय। अच्छा बच्चा, ये भी जाके ले। अभी हम फ्री बैठे हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना कुछ DIY किया जाए। तो हम बना रहे हैं चद्दर का सोफ़ा कवर। ये है हमारा सोफ़ा और बेडशीट हम लेके आए, उधर साइड रखी हुई है वो बेडशीट, इसका हम बनाएंगे सोफ़ा कवर। देखते हैं कैसा बनता है। खिचकाना है और ये बनी कोने में आके बैठ गए, हिल तो रहा नहीं है बिल्कुल। चलो बेटा उठ जा, चलो उठ जा। अच्छा बच्चा है ना, चलो गुम्मी गुम्मी करे, चलो 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 चल ना, चल बनी आजा। आलसी हो गए। चल ना, चल मैं जा रही हूँ, चलो चलो गुम्मी गुम्मी चल आ जाओ, चलो चलो। मम्मा गई हनी, बनी आ गया। हमारे सोफे का ये फाइनल लुक है, बहुत ही अच्छा बना है, मेहनत कंप्लीट, रंग लाई और अच्छा भी बहुत लग रहा है। अभी हम सोच रहे हैं खाना खाने के बाद, चिकू का यहाँ पर ट्रेडमिल पड़ा हुआ है तो हम उसको ले जाएं। अब उसको खोलना है पूरा क्योंकि वो पूरा सेट हुआ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमको कार में ले जाना है इसलिए। तो उसको पूरा खोलेंगे मैं और दीदी दोनों। अभी निपेश और जिया जी दोनों आने वाले हैं जोधपुर से, लगभग अभी बज रही हैं 6:30 और अभी जैसे ही वो आते हैं हम 10 से 15 मिनट वो यहाँ पर रेस्ट लेंगे और हम निकल जाएंगे हमारे घर के लिए। आज पूरे दिन दीदी और हम दोनों ने इतनी बातें की और बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम बाद घर के बाहर निकलने मिला हो ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा गया आज का दिन। और अभी कर रही हूँ मैं जाने की पैकिंग, उनका ऑलरेडी कॉल आ चुका है मुझ पर कि तुम सब कुछ पैक कर दो, अपन को निकलना है। इसलिए यहाँ पर बनी हमारा उदास हो रहा है कि मामी जा रहे हैं, ऐसा देखो उदास क्यों हो रहा है तू, हाँ हाँ क्या हुआ देखो क्या हुआ। आज दीदी और मैं दोनों पूरा दिन यानी फ्री थे तो आज हमने कुछ यानी एक्सपेरिमेंट किए। एक तो हमने सोफ़े का वो कवर बनाया बेडशीट का, वो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा बना है। और अभी आज ही इनके शीट डिलीवर हुई थी तो उसको भी हमने बिछा दिया है और उसके साथ दो कॉन्ट्रास्ट में वॉश करके और कॉन्ट्रास्ट में वो दो नेवी ब्लू पिलो भी लगाए, यानी 4 पिलो रखने की आदत होती है ना, जैसी मेरी है वैसी इनकी भी है। और नीचे भी बताएंगे आज क्या क्या किया है। दीदी के यहाँ पर चिकू का ट्रेडमिल पड़ा हुआ है क्योंकि वो यूज़ नहीं कर रहे थे इसलिए, और हमको ले जाना है ऋषभ देव तो हम इसको धीरे धीरे नीचे उतारेंगे। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकल दीजिए।
हमने ये ट्रेडमिल तीसरी मंजिल से उतारा है। सोचो हमारे क्या हाल हो रहे होंगे। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि इन ट्रेडमिल भाई साहब को उतारा है, इसलिए चलो मेहनत काम आई। ये शेल्फ पहले रखी हुई थी यहाँ पे, आज सुबह ही हमने वहाँ पे सेट की थी, अब ट्रेडमिल उतारने के चक्कर में पूरी खाली की है और अभी हम वापस जमा रहे हैं। जोधपुर से आ चुके हैं निपेश और जिया जी दोनों जने। पानी खत्म हो गया था। हाथ ऊँचे करो, पीछे घुमा, गरम हो गया। ठीक है, डन। तो नहीं हुआ। जो ट्रेडमिल हमने तीसरी मंजिल से नीचे उतारा था उसको अभी गाड़ी में रखते रखते हमारे पसीने आ गए, लगभग आधा खोल दिया उसको। आप देख सकते हैं अभी तो अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा और अभी हम निकल चुके हैं उदयपुर से हमारे घर के लिए। इधर साइड की लाइटें लगनी बाकी है, उधर साइड की लग चुकी है। फाइनली हम घर आ चुके हैं और वहाँ पर बनी गाड़ी को बहुत टच कर रहा था इसलिए लैला पूरी सूंघ रही है गाड़ी को। किधर गई, बुलाओ ना इधर साइड। लैला ये ले, बनी है लैला, बनी है। हम उदयपुर से आ चुके हैं और यहाँ पर मेरे लिए एक सरप्राइज़ है, यानी मुझे तो पता ही नहीं था। कितने दिनों से मुझे चिकू बोल रहे थे तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज सरप्राइज़ है। मैंने कहा अभी तो क्या होगा, मजाक ही कर रहे होंगे मुझसे। फिर आज फाइनली लेके आए। इन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किया था माइक, क्योंकि मुझे मेरा जो अभी माइक मैं यूज़ कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है, नो डाउट वॉइस क्लियरिटी वगैरह सब बहुत अच्छी है, पर इसमें मुझे एक दिक्कत हो रही थी। तो कभी मुझे अचानक से जैसे कि कुछ शूट करना है तो माइक कनेक्ट है नहीं है, ध्यान रख पड़ता है मुझे। और कितना टाइम तो ऐसा होता था मैं शूट भी कर लेती थी पर माइक में चार्ज नहीं है या फिर माइक कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो मैं ये सब प्रॉब्लम बताती रहती थी। तो फिर उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया मेरे लिए माइक मंगवा कर। ये रहा मेरा माइक। इसके अंदर क्या क्या है ये डायरेक्ट अपने कैमरे के ऊपर लगेगा। ये है मेरा माइक और ये है साथ में इसके केबल। अभी है मेरा पुराना माइक और अब मैं लगाऊंगी नया माइक, तो देखते हैं क्या फर्क है। ये है मेरा पुराना माइक और अभी जो मैं शूट कर रही हूँ वो नए माइक से शूट कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आप मुझे बताना, मुझे मेरा सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू। अब मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा, मुझे रह रहे के कनेक्टने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में।